बहुत सारे ऐसे लोग जिनके ऊपर ईडी या आईटी की रेड चल रही है, सीबीआई की रेड चल रही है, क्वेश्चनिंग हो रही है, केस चल रही है, अरेस्ट हो रहे हैं, वो कुछ सालों के बाद जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह के केसेस दर्शाते हैं कि हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई ये एविडेंस है ये प्रूव करने का कि ये सारा मलिशियस इंटेंट है या जो भी है, लेकिन एक ऐसा पैटर्न है जो कि ये बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, अगर हमारे रीडर्स को याद हो तो सितंबर 2022 में हमने एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन की थी जिसमें कि हमने बताया था कि 95% यानी कि 95% पॉलिटिशियंस जिनको कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इन्वेस्टिगेट किया है अंडर द मोदी रेजीम आर ऑल फ्रॉम द ऑपोजिशन, ओनली 5% आर फ्रॉम एनडीए। And this we had compared to the UPA, 10 years of UPA regime, when around 60-65% of politicians were from opposition and rest were from the Congress or their allies. As we all remember the cases of 2G and Aircel Maxis, where, you know, Congress and DMK people were accused. So picking up from there and, you know, seeing as to how opposition politicians cases are basically progressing. And then we saw that a large number of these politicians were, you know, joining the BJP, you know, over a period of time. कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके ऊपर ईडी या आईटी की रेड चल रही है, सीबीआई की रेड चल रही है, क्वेश्चनिंग हो रही है, केस चल रही है, अरेस्ट हो रहे हैं, वो कुछ सालों के बाद जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये ट्रेंड हम देख रहे थे 2-3 सालों से। साथ में फिर अपोजिशन के पॉलिटिशियंस भी इस पर हल्ला मचाने लगे और कहने लगे कि भाई, जैसे ममता बनर्जी कितनी बार कह चुकी हैं कि बीजेपी तो वॉशिंग मशीन हो गई है, जिसके ऊपर भी आरोप लगे वो चला जाए और धुल के और फिर वो निकल जाए। तो हमने इसको एनालाइज़ करने की कोशिश की कि क्या इस तरह के एलिगेशंस एक्चुअली में सही हैं जो अपोजिशन कहती है कि वॉशिंग मशीन बन गई है, ये वॉशिंग पाउडर है, सारे पाप यहाँ धुल जाते हैं, तो क्या ये सही है। तो उसके लिए हमने ये पता करने की कोशिश की कि कौन कौन से प्रोमिनेंट ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, और इसमें हमने ज़्यादातर जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएज, फॉर्मर लेजिस्लेटर्स, ऐसे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको देखने की कोशिश की। और हमने ऐसे 25 नाम निकाले जो कि पिछले कुछ सालों में जिन्होंने विभिन्न पार्टियों से जो कि बीजेपी, या तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया या फिर बीजेपी के साथ अलाइन हो गए, एनडीए की सरकार बना ली, जैसे कि एनसीपी का विभाजन हो गया, शिवसेना का विभाजन हो गया, वो लोग एनडीए के साथ चले गए। तो इस तरह के केसेस को हमने एनालाइज़ किया और हमने पाया कि 25 में से 23 ऐसे केसेस हैं जिसमें कि या तो केस ही बंद हो गया ज्वाइन करने के बाद, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, या फिर केस में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, केस ओपन तो है लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं यहाँ पर यह बता दूँ कि ये पैंतरा कोई नया नहीं है, इसके पहले भी इस तरह के पैंतरे यूज़ हुए हैं। इट्स जस्ट दैट कि द स्केल ऑफ दिस मोडस ऑपरेंड आई इज़ वेरी लार्ज इन नरेंद्र मोदी रेजिम। जैसे पहले सपा की सरकार हुआ करती थी यूपी में और सपा के पास काफ़ी एमपीज हुआ करते थे, तो उनको जब न्यूक्लियर डील वाली बात चल रही थी सेंटर में और यूपीए की सरकार थी और लेफ्ट ने जो है वो अपना समर्थन इनसे खींच लिया था, तो यूपीए की सरकार ने ओल्ड पेंडिंग सीबीआई की केस डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स की खोल दी दोबारा से, फिर सपा जो है किम कर्तव्य विमूढ़ होकर चली आई और सपा ने जो है वो मनमोहन सिंह की सरकार बचा ली। तो ये पैतरे पहले भी यूज़ हुए हैं और यही है कि अब उसका स्केल बहुत बड़ा हो गया है। तो इन 25 में से हमने देखा कि 10 पॉलिटिशियंस हैं कांग्रेस से, 4 पॉलिटिशियन हैं एनसीपी से, 4 पॉलिटिशियन हैं शिवसेना से, 1 सपा से है, 1 वाईएसआरसीपी से है, 2 टीडीपी से हैं और बाकी टीएमसी से हैं, तृणमूल कांग्रेस से। और इसमें हमने पाया कि करीब करीब 3 केसेस में तो ज्वाइन करने के बाद क्लोजर हो गया है, जिसमें अजित पवार का केस है जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, फिर उनके कलीग हैं प्रफुल्ल पटेल, वो भी एनसीपी के नेता हैं और वो भी इस वक्त एनडीए के साथ हैं, और एक शिवसेना के नेता हैं प्रताप सरनायक, जिन्होंने कि जब शिवसेना का स्प्लिट हुआ तो एक नाथ शिंदे के साथ चले गए और एनडीए की सरकार में शामिल हो गए। तो इन तीनों के खिलाफ जो है वो केस जो है वो बंद हो गया है। बाकी करीब करीब 15 ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ केस तो अभी ओपन है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना तो चार्जशीट हुई, ना कोई रेड हुई, ना कोई क्वेश्चनिंग हुई, इस तरह का कोई कोर्सिव एक्शन
नहीं लिया गया है। और करीब करीब आधा दर्जन ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर ईडी सीबीआई के केसेस हैं और कुछ एक्शन अभी फिलहाल पीछे हुआ है, और उन्होंने इस फरवरी मार्च में इलेक्शन के ठीक पहले जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। और ये काफ़ी बड़े नेता हैं, जैसे कि फॉर्मर महाराष्ट्र सीएम अशोक चव्हाण हैं, हरियाणा के इंडस्ट्रियलिस्ट नवीन जिंदल हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि अभी अभी जाके ज्वाइन किया हुआ है। तो इसमें कुछ कुछ केसेस बड़े ही रोचक हैं, मज़ेदार जिसे हम कह सकते हैं। जैसे कि अजित पवार का केस तो एक टेक्स्ट बुक केस है कि कैसे जो है वो सरकारी मशीनरी को मिसयूज़ किया जाता है। जैसे कि 2019 में ये महाराष्ट्र इलेक्शन के पहले जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में थी, तो मुंबई ईओडब्ल्यू जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, आर्थिक मामलों में तहकीकात करती है, उसने जो है वो एक एफआईआर दर्ज की अजित पवार के ख़िलाफ़, शरद पवार के ख़िलाफ़, और कई सारे पॉलिटिशियंस के नाम उस एफआईआर में थे कि इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक में कोई फ्रॉड किया है। तो वो एफआईआर दर्ज होती है, उसके बेसिस पे जो है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी अपनी तहकीकात शुरू कर देता है। तभी जो है वो महाराष्ट्र में इलेक्शन होते हैं और शिवसेना एनडीए छोड़ के और एनसीपी और कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाती है। उसके बाद मुंबई ईओडब्ल्यू कोर्ट में जाती है और जाके एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है कि जी हमें कोई एविडेंस नहीं मिला तो हम ये केस बंद करने हैं। उसके बाद क्या होता है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर जाती है 2 साल के बाद, और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार आ जाती है। अब एनसीपी इस सरकार से बाहर है, अजित पवार भी बाहर हैं। अब जो है दोबारा से ईओडब्ल्यू जाती है कोर्ट में और कहती है जी हम इस केस को दोबारा से री इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कुछ एक्शन लिया है, उनके पास कुछ एविडेंस है, उसके बेसिस पे हम दोबारा से हम इसको री इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। और ये बड़ी मज़ेदार बात है क्योंकि इसके पहले जब इन्होंने क्लोजर फाइल किया था और जब ईडी ने उसको चैलेंज किया था, तो उन्होंने कहा कि ईडी कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है इस केस में, माय लॉर्ड इसको खारिज किया जाए, और वो खारिज भी हो गया। अब उसी ईडी के एविडेंस का हवाला देकर वो दोबारा इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। फिर अजित पवार जो है 2023 के जून महीने में अब एनडीए में चले जाते हैं। अब मुंबई ईओडब्ल्यू दोबारा जाती है कोर्ट में, कहती है कि जी हमने इन्वेस्टिगेट तो किया लेकिन हमें कुछ मिला नहीं, इसलिए हम इस केस को बंद करना चाहते हैं। ये तो मतलब पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक तरह से मजाक है, ये हो क्या रहा है उसे। अब चूंकि मुंबई ईओडब्ल्यू का केस बंद हो जाएगा और बंद हो गया है, तो ईडी के लिए इस केस को इन्वेस्टिगेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिना किसी प्रेडिकेट ऑफेंस के ईडी कोई भी केस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। तो ईडी का केस अपने आप ही मर जाएगा इसमें। प्रफुल्ल पटेल का केस, उनके कलीग, वो उनके ऊपर तो इतना बड़ा केस था, एज सिविल एविएशन मिनिस्टर उनके ऊपर हज़ारों करोड़ के घोटाले का मामला था, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर का। उसके बाद वो जाके एनडीए ज्वाइन कर लेते हैं अजीत पवार के साथ, और अभी पिछले हफ्ते सीबीआई जो है उनका केस क्लोज कर देती है। ऐसे ही प्रताप सरनाइक के खिलाफ एक ऐसा ही मामला था शिवसेना के, उन्होंने तो चिट्ठी भी लिखी थी उस वक्त जब वो शिवसेना में हुआ करते थे कि भाई हमें जो है वो एनडीए की सरकार ज्वाइन कर लेनी चाहिए ताकि ये ईडी के हैरेसमेंट बंद हो जाए। और उसके बाद क्या हुआ, फिर वो वहाँ चले जाते हैं अगेन मुंबई ईओडब्ल्यू के एफआईआर पे, जिस पे कि ईडी का केस दर्ज था, वो एफआईआर ही बंद हो जाती है और ईडी का केस अपने आप इन्फ्रक्चुअस हो जाता है। ऐसे कई सारे केसेस हैं। अगर हम देखें असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा, उनके ऊपर सारथा चिटफंड में उनकी क्वेश्चनिंग हुई, उनके घर पे छापे पड़े, और एक लुईस बर्जर केस था उसमें भी उनका नाम था, उसमें भी क्वेश्चनिंग हुई। फिर उन्होंने 2015 में जाके और कांग्रेस ज्वाइन, ये बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद से आज तक उनकी कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई। ऐसे ही अगर हम देखें आज जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं वेस्ट बंगाल असेंबली में, शुभेंदु अधिकारी, कभी टीएमसी के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे और पिछले इलेक्शन में तो उन्होंने ममता बनर्जी को हराया, तो शुभेंदु अधिकारी के ऊपर शारदा चिटफंड का केस है, नारदा स्टिंग ऑपरेशन में उनका, वो तो एफआईआर में नामजद हैं, उसके वो केस होता है उनके ऊपर। सीबीआई उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास सैंक्शन के लिए परमिशन मांगती है,
क्योंकि लोकसभा के मेंबर हुआ करते थे उस वक्त जब ये नारदा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, और बिना सैंक्शन के उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है। फिर वो जाके बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, आज तक वो सैंक्शन नहीं आया। ऐसे ही अगर हम और भी ऐसे बड़े सारे पॉलिटिशियंस हैं, उसी टीएमसी के सोवान चैटर्जी का केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सोवान चैटर्जी जो है वो, उनके ऊपर शारदा चिटफंड और नारदा स्टिंग ऑपरेशन दोनों का केस है। वो जो है जाके और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं करीब करीब 2018 में। फिर 2021 में जब वेस्ट बंगाल असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तो उनको बीजेपी टिकट नहीं देती है, तो वो नाराज़ होकर छोड़ देते हैं। जैसे ही वो छोड़ते हैं, 2 महीने के बाद अरेस्ट हो जाते हैं, चार्जशीट हो जाते हैं और अब ट्रायल पे हैं। तो इस तरह के केसेस दर्शाते हैं कि हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई ये एविडेंस है ये प्रूव करने का कि ये सारा मलिशियस इंटेंट है या जो भी है, लेकिन एक ऐसा पैटर्न है जो कि ये बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ठीक नहीं है इसमें। हालांकि ऐसे दो केसेस हैं, जैसे कि टीडीपी के वाईएस चौधरी जिन्होंने कि ज्वाइन किया बीजेपी ईडी के रेड्स के बाद 2019 में, उनके ऊपर ज्वाइन करने के बाद भी ईडी ने चार्जशीट फाइल करी है। ऐसे ही राजस्थान की कांग्रेस की नेता हैं ज्योति मिर्धा, जो कि एमपी हैं, जो कि इंडिया बुल्स परिवार से जुड़ी हुई हैं, तो इंडिया बुल्स के ऊपर काफ़ी लंबा चौड़ा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उन्होंने भी रिसेंटली जो है वो ज्वाइन किया है, लेकिन उसके बाद भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक रेड हुई है इंडिया बुल्स के ऑफिस पे। तो ऐसे इस तरह के एक्सेप्शनल केसेस हैं, बट दे आर फ्यू एंड फार बिटवीन। इन मोस्ट केसेस पीपल हैव प्रीटी मच बीन एक्सोनरेटेड और आर केप्ट हैंगिंग बेसिकली। द केस इज ओपन बट नो एक्शन इज टेकन।